गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के घर लूटपाट का मामला सामने आया है, जहां एक नौकर ने 3 गनर समेत 4 लोगों को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया और घर में रखे करोड़ों रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कारोबारी विवेक मंगल के बेटे पार्थ की शादी दिल्ली के एक होटल में थी। परिवार के लोग 9 दिसंबर को ही शादी में शिरकत करने के लिए दिल्ली चले गए थे। इसी दौरान नौकर ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं जब सुबह की ड्यूटी करने वाले गार्ड पहुंचे तो उन्हें मकान का मेन गेट खुला हुआ मिला, जिसके बाद गार्ड ने चोरी की जानकारी मालिक को दी। कारोबारी विवेक बंसल ने बताया कि घर में कीमती जेवरात रखे हुए थे जिसे चोरी किया गया है। मेरा नाम विवेक मंगल है भैया, मेरे बेटे की शादी थी कल रात को, तो हम लोग सब होटल में शादी में गए हुए थे, 2 दिन से वहीं रह रहे थे। सुबह विदा करा के आए थे तो जब ही पता लगा कि गार्ड चेंज होते हैं सुबह के ड्यूटी वाले आए, तो उनको पता लगा कि अंदर जो रात की ड्यूटी वाले गार्ड हैं सारे बेहोश पड़े हैं। 3 गार्ड थे तो हमारे पे इतना पहुँचे, तो हम तो वहाँ से छोड़ के अभी वापस पहुँच के आए हैं, वापस भाग के दिल्ली से। और बाकी ये पता लगे, फॉरेंसिक वगैरह अपना जाँच कर रहे हैं तो क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं हुआ तो पता लगे। तो चूँकि घर में शादी थी तो यकीनन जरूरी भी पड़ी होगी, तो क्या सब कुछ लेके चला गया? अभी कुछ नहीं कह सकते। हुआ क्या था, क्या नौकर ने कोई नशीला पदार्थ दिया था? हाँ बता रहे हैं ऐसा कि गार्ड, क्योंकि अभी तक बेहोश पड़े हैं इसमें कुछ गार्ड, तो यही लगता है कि कोई नशीला पदार्थ पिलाया गया। एक नौकर गायब है, नेपाली नौकर, वो गायब है। क्या नाम है? गणेश नाम है। वहीं गार्ड ने बताया कि सुबह ड्यूटी पर आया था तो उसे चोरी की घटना के बारे में पता चला। इसके बाद उसने अपने मालिक को घटना की जानकारी दी। जब सुबह ड्यूटी आया हूँ 7 बजे जी, मुझे गेट खुला हुआ मिला और ये 3 आदमी जो नाइट में थे, 2 गनमैन और 1 गार्ड, ये बेहोश हालत में मिले। तो फिर देखा मैंने, तो फिर अंदर जो नौकर 2 रहते थे उन्हें एक को आवाज़ लगाई, आवाज़ लगाने में वो जगे नहीं, तो फिर गेट हल्का सा खोल के आवाज़ मारी, जब जग गए। तो उनसे पूछा दूसरे वाला कहाँ है, तो वो बोले बाहर गया होगा। फिर बाहर से जब नहीं आया तो फिर पूछा उनसे, तो फिर अंदर चेक किया तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे अंदर की ताले वगैरह सारे टूटे हुए हैं। अच्छा, तो क्या पता चला कितने की चोरी हो रही है? ये कोई जानकारी नहीं है सर हमें। फिर आपने क्या किया, परिवार वालों को जानकारी दी? हमने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने कारोबारी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी नौकर की तलाश के लिए पुलिस की टीमों को लगा दिया गया है। गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट।